पुतिन का जन्म 7 अक्टूबर 1952 को सोवियत संघ के एक गरीब परिवार में हुआ था। व्लादिमीर पुतिन की परवरिश लेनिनग्राद, जो कि एक अब सेंट पीटर्सबर्ग है, ऐसे माहौल में हुई जहां स्थानीय लड़कों के बीच मारपीट एक आम बात। ये लड़के कई बार पुतिन से बड़े और ज्यादा ताकतवर होते थे। यही बात पुतिन को जूडो की तरफ ले गई। अपनी आत्मरक्षा के लिए उन्हें यह सीखना पड़ा। पुतिन मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्ट है। पुतिन का परिवार सेंट पीटर्सबर्ग के एक अपार्टमेंट में तीन और परिवार के साथ रहता था। इनकी मां मारिया एक फैक्ट्री में मामूली मजदूर थी। उनके पिता व्लादिमीर स्पिरिदोनोविच पुतिन, जो कि नेवी में थे, लेकिन इसके बावजूद उनके घर का खर्च नहीं चल पाता था, तो बचपन से ही पुतिन ने खाली समय में चूहों को पकड़कर बाहर छोड़ने का काम शुरू कर दिया, जिसके एवज में उन्हें कुछ पैसे मिल जाते थे। पुतिन बचपन से ही पढ़ने में काफी तेज थे। उनका दिमाग किसी हथियार की तरह तेज धार था। पुतिन विरोधी स्वभाव के थे। वह स्कूल में चाकू लेकर चले जाते थे। उन्हें गिटार बजाना पसंद था। वह बीटल्स के रिकॉर्ड सुनते थे। उनके पिता उन्हें बॉक्सिंग सिखाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने जूडो सीखा। वह खुद कहते हैं कि मार्शल आर्ट ने उनकी जिंदगी बदल दी, जिससे उनमें दृढ़ता का भाव आया। पुतिन जब मिडिल स्कूल में थे, तभी उन्हें कम्युनिस्ट पार्टी का स्कूल लीडर चुना गया। पुतिन ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा सेंट पीटर्सबर्ग हाई स्कूल से पूरी की। पुतिन को जर्मन बोलने में महारत हासिल है, लेकिन उन्हें अंग्रेजी से घबराहट होती है। पुतिन का सपना था कि वह सोवियत सीक्रेट एजेंट बने। एक जासूस बनने की सारी खासियत तो पुतिन में पहले से थी। तेज दिमाग, चुस्त शरीर, छोटी छोटी बारीकियों पर गौर करना, हर चीज को शक की निगाह से देखना। उन्हें कोई आइडिया नहीं था कि एक जासूस बनने के लिए क्या करना होता है, किससे मिलना है, किससे नौकरी की मांग करनी है। उन्होंने कई लोगों से जानकारी एकत्रित करने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार उनके हाथ कुछ नहीं लगा। आखिर में थक हार कर उन्होंने फैसला किया कि वह उस वक्त की जानी मानी खुफिया एजेंसी KGB के दफ्तर जाएंगे। KGB के ऑफिस पहुंचकर पुतिन की मुलाकात एक महिला अधिकारी से हुई। उन्होंने उनसे कहा कि मैं एक जासूस बनना चाहता हूं। महिला ने सलाह दी कि वे कानून की डिग्री ले लें तो बेहतर होगा, जिससे उनका KGB में आने का रास्ता साफ हो जाएगा। पुतिन किसी भी कीमत पर KGB का हिस्सा बनना चाहते थे। उन्होंने लॉ डिग्री पूरी करने के बाद KGB के लिए आवेदन किया। 1975 में उन्होंने रूस की खुफिया एजेंसी KGB ज्वाइन कर ली। अपने तेज दिमाग के दम पर उन्होंने जल्द ही KGB में अपना रसूख बना लिया। व्लादिमीर पुतिन को KGB में पहले मिशन पर पूर्व जर्मनी भेजा गया, जहां पुतिन ने 5 साल ट्रांसलेटर बनकर अंडरकवर एजेंट का काम किया। रूस के जाने माने नेता और लेनिनग्राद के मेयर एनाटोली के साथ जुड़कर राजनीतिक करियर की शुरुआत की। वह उनके करीबी बन गए। सोबचक ने पुतिन को उप मेयर बना दिया। 1996 में सोबचक के हार के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। फिर पुतिन सीधे मास्को चले गए। मास्को में पुतिन तब के राष्ट्रपति बोरिस की टीम में जगह बनाने में कामयाब रहे। उसके बाद तो जैसे उनका रास्ता साफ होता चला गया। राष्ट्रपति बोरिस ने पहले उन्हें PM बनाया। फिर 2 साल बाद 1999 में बोरिस ने इस्तीफा दिया तो पुतिन को कार्यवाहक राष्ट्रपति बना दिया। लेकिन उनकी मंजिल यह नहीं थी, इसलिए पुतिन साल 2000 में राष्ट्रपति पद के लिए खड़े हुए। उन्होंने जीत भी हासिल की। उसके बाद रूस ने 2004 में उन्हें दोबारा राष्ट्रपति चुन लिया। लेकिन रूसी संविधान के अनुसार कोई लगातार 3 बार राष्ट्रपति नहीं बन सकता। इसके चलते वह 2008 में प्रधानमंत्री बन गए। फिर दोबारा 2012 में चुनाव लड़ा, फिर राष्ट्रपति बन गए। तब से लेकर अब तक रूस की बागडोर इसी शख्स ने संभाली हुई है। पुतिन ने वो तमाम कानून बदल डाले जो उनके और राष्ट्रपति पद के बीच अड़चन बने हुए थे। एक लंबे शासन के बावजूद लोग उन्हें पसंद करते हैं। रूसी मीडिया के मुताबिक पुतिन की लोकप्रियता ऐसी है जो पश्चिम नेताओं के लिए सिर्फ सपना हो सकती है। पुतिन का कहना है कि लेनिनग्राद की सड़कों ने मुझे एक नियम सिखाया था, अगर लड़ाई होनी तय है तो पहला पंच मारो। तो ये थे स्टोरी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो।